खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ नवीद खान। चलिए आपको दिखाते हैं इस वक्त की कौन सी है वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिन 25 जुलाई 2021 मेरठ पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जिले में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। इनके आने का कार्यक्रम 11 बजे का था, लेकिन बताया जा रहा है कि रूट में बदलाव के कारण मेरठ पहुंचने में देरी हुई। केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम में देरी होने से कार्यक्रम आगे बढ़ा दिए गए। डिप्टी सीएम मेरठ में लगभग 1:30 बजे पहुंच गए। केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचते ही स्थानीय नेताओं और लोगों ने जोरदार स्वागत किया। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, डिप्टी सीएम मेरठ के विधानसभा की तैयारियों के जायजा लेने के साथ ही यहां कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। सर्किट हाउस में 1203 करोड़ की 380 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे उप मुख्यमंत्री। 1:28 पर मेरठ के सर्किट हाउस पहुंच गए थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। मंच की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। बदलते मौसम को देखते हुए खास तरह की तैयारी की गई है। मंच पर स्वागत के लिए स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। इसके अलावा कई प्रतिष्ठित लोग भी इनके स्वागत के लिए खड़े थे। डिप्टी सीएम के आने के बाद के लिए रूट डायवर्ट किया गया था। मेरठ दिल्ली हाईवे से ना आकर वह हापुड़ के रास्ते से आए, इसी कारण उनके आने में देरी होनी बताई जा रही है। इन मुख्य परियोजनाओं का होगा शिलान्यास व लोकार्पण। कांवड़ गंग नहर मार्ग की बाई पटरी पर वर्तमान यातायात लोक निर्माण विभाग ने सड़क सुरक्षा के लिए 30 करोड़ की लागत से क्रैश बैरियर व रिफ्लेक्टर बनवाए हैं। मुजफ्फरनगर में 1.8 किलोमीटर अवशेष मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया है। इन दोनों कार्य को गंग नहर पटरी मार्ग से लोकार्पण में शामिल किया गया है। इसके अलावा 787 किलोमीटर लंबाई के अन्य जिला मार्गों सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है। 36 लघु सेतुओं का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्र में 246 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का नवनिर्माण परियोजनाओं के कार्य में शामिल है। सेतु निगम के 4 दीर्घ सेतुओं का लोकार्पण व 4 सेतुओं का शिलान्यास भी कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, यह देखिए। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। विधानसभा में 2022 में भी हम 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस और सारे विरोधी दल एक हो जाएंगे, तब भी 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। यह अंदर की बात, इस बार यदुवंशी और रविदास वंशी भी हमारे साथ। देखिए, मैं नाम इसलिए दिया हूँ कि यह सब जनता के बीच में जाते नहीं, और आप सब मेरे मीडिया के परम मित्र लोग, वह अगर एक ट्वीट कर देंगे तो उस ट्वीट पे हमारे सब लोगों का रिएक्शन लेने आ जाते हैं। रिएक्शन देना पड़ता है क्योंकि आप आते हो। तो यह ट्विटर छात्र राजनीति करने वालों से मैं ज़रूर चाहूँगा तो जनता के बीच में जाएँ, और जब उनको असलियत पता चलेगी कि यहाँ विकास हो रहा है, यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई है और यहाँ चारों तरफ खुशहाली आ रही है, तो इसीलिए मैंने नाम दिया है राहुल गांधी जी के लिए श्री राहुल ट्यूटर गांधी, श्रीमती प्रियंका ट्यूटर बाड्रा, श्री अखिलेश ट्यूटर यादव। मैं यही नाम दिया हूँ, मैं कोई गलत नहीं कहा हूँ। आपको ट्यूटर से अगर ना उठावें, आप उनसे प्रत्यक्ष कोई आपके पत्रकार, आप यहाँ हैं, जहाँ से वो बोलते हैं वहाँ आपके मित्रों से बात कर लें, आपके मीडिया के जो साथी उनसे बात। जो चेतावनी हमने मंच से दे दी। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, लेकिन सवाल यह है कि फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? न दावा न वादा, सिर्फ खबरें देखिए मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर।